पहले जानते हैं कि आज किस खास ग्रह के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई क्या दिलचस्प जानकारी हमें शशि जी बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज हम लोग नीच के गुरु के विषय में बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग गुरु नीच का हो तो कैसा फल देगा। गुरु नीच का यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि गुरु तो सदैव सम्माननीय, पूजनीय, आदरणीय रहे हैं, फिर नीच का क्यों। दर्शकों, लगातार यह स्पष्ट मैं करता रहता हूं कि नीच शब्द का आप बिल्कुल शाब्दिक अर्थ न लें। गुरु जो है मकर राशि में नीच के हो जाते हैं और मकर राशि का मालिक है शनि। मकर राशि जो है वो कर्म प्रधान राशि है, बहुत एनर्जेटिक और काम करने वाली राशि है। अब गुरु हैं विवेक के, ज्ञान के, गुरु धर्माधिपति हैं, तो मार्गदर्शक और कोई पथ प्रदर्शक अगर है तो जाहिर है कि गुरु का कार्य है मार्ग बताना, ज्ञान देना, ना कि फिजिकली मेहनत करना। तो लेकिन इस समय जो बात हो रही गुरु नीच का मकर राशि में हो रहे हैं, जब गुरु कर्म भाव में आ जाते हैं तो वो इसीलिए नीच के हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ज्ञान से ज़्यादा फिजिकल मेहनत की बात आ रही है। जैसे मुहूर्त की बात करते हैं कि जो जैसे शादी होती है, पुरोहित होते हैं। अब कोई पुरोहित है वो विवाह करा रहा है, उसका काम है सभी मांगलिक कार्यों को कराना, सभी चीज़ों का संपादन करना। अब इसके अतिरिक्त तो उससे आप कोई और काम मत लीजिए, कोई लेता भी नहीं है कि बारातियों को खाना खिलाने भेज दिया या कुछ और काम कराने लगे। यानी गुरु का एक काम है, अब गुरु से अगर काम कराने लगेंगे तो वो गुरु का तत्व डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यही चीज़ को दूसरे तरीके से समझिए कि माने पुरोहित की बेटी की विवाह हो रहा है, तो बेटी का अगर विवाह है पुरोहित की तो वो गुरु का दायित्व तो खुद नहीं निभाएंगे, फिर उनके में दूसरे पुरोहित हो जाएंगे विवाह कराने में, वो गुरु दूसरी जगह पर सब काम देखेंगे, शादी का सारा व्यवस्था देखेंगे। तो गुरु है ज्ञान देने का। जब ज्ञान देने वाला गुरु कर्म के चक्कर में आ जाता है या कर्म की राशि में आ जाता है तो वो नीच के हो जाते हैं। जब गुरु अपने पारलौकिक लक्ष्य यानी आत्मबोध को छोड़कर इस सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करने लगता है, कर्म के बंधन में फंस जाता है, तो इसी गुरु को नीच का गुरु कहते हैं। अब हम गुरु अगर नीच का हो जाए तो क्या होता है, इसको लेकर चर्चा कर रहे थे, कुछ दिलचस्प बातें बता रहे थे शशि जी, तो बताइए गुरु अगर नीच का है तो क्या होगा। बिल्कुल, गुरु का अर्थ है गुरुता। गुरुता माने भारीपन। ग्रहों में सबसे भारी और बड़ा ग्रह गुरु ही है, अतः जितनी भी भारी चीजें हैं वो सब गुरु को रिप्रेजेंट करती हैं, गुरु का प्रतिनिधित्व करती हैं, या ये कहा जाए कि इनमें गुरु तत्व है। दर्शकों, एक गूढ़ बात आपको बताते हैं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक पद है और उसी पद से हम ज्ञान लेते हैं। इसलिए गुरु की कोई उम्र भी नहीं होती है, कोई छोटा बच्चा भी गुरु हो सकता है और ज्ञान किसी से भी प्राप्त हो सकता है, कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। अब वो चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, या चाहे ग्रंथ हो, चाहे पुस्तकें हो, और या फिर साक्षात आपके अध्यापक, शिक्षक जो भी हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, ये गुरु तत्व है। एक उदाहरण लेते हैं कि मानिए आप किसी मार्ग पर जा रहे हैं और बरसात का पानी काफ़ी भरा हुआ है सड़क में, वहीं आपको एक छोटा बच्चा खड़ा मिलता है और बताता है कि इधर मत जाइए, इधर आगे गड्ढा है, तो आप दूसरे मार्ग से चले जाते हैं। तो ये जो बच्चा था उस समय गुरु तुल्य था, या यूं कहें कि उस समय उसने आपको एक मार्ग दिखाया। तो जो उस टाइम पे वो मार्गदर्शक था, जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं अक्सर साइन बोर्ड लगे होते हैं कि ये रोड इधर, ये भी गुरु तत्व है, यानी ये हमारा पथ प्रदर्शक है। तो गुरु जब कर्म भाव में आ जाते हैं, जब गुरु कर्मठ हो जाते हैं, तो इनको नीच का कहा गया है और ये सांसारिक यानी भौतिक क्षेत्र में अपना योगदान देने लगते हैं। और जब गुरु उच्चता का अर्थ है कि ये आत्म उत्थान,
अपनी अंतरात्मा, आत्मबोध, इसको लेकर ये आगे जाते हैं। हम लोग आज यहाँ नीच के गुरु के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए इसी विषय पर रहते हैं। आप लोगों को नीच ग्रह में के अंदर क्या क्या ऐसी बातें हैं जो देश काल परिस्थिति में बिल्कुल फिट बैठती हैं और आपके अनुकूल भी हैं, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। गुरु अगर नीच का हो जाए तो क्या प्रभाव होते हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं आगे, और क्या बातें इससे जुड़ी हुई हैं जो आम लोगों को नहीं पता, वो बताएंगे शशि जी। नीच का गुरु भौतिक उपलब्धियों के लिए एक अच्छा कार्य, बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नैतिक मूल्यों के साथ समझौता करते हुए अच्छी समृद्धि पा जाता है। देश काल परिस्थिति में इसको बुरा भी आप नहीं कहेंगे। शनि कर्म है तो ज्ञान, ऐसा ज्ञान मिलता है जो कर्म करते करते अभ्यास से हो जाता है। जैसे टीचर पढ़ाते पढ़ाते बहुत पारंगत हो जाते हैं, तो आपकी जो भी प्रतिभा है वो अब श्रम से निकलेगी, यानी गुरु ऐसा जो कर्म करते करते गुरुत्व बढ़ता चला जाएगा। नीच के गुरु का व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ देता है। ऐसा व्यक्ति कॉलेज खोल सकता है, यानी शिक्षा के व्यवसायीकरण में ये बहुत लाभ देता है। जिनका नीच का गुरु है उनको अपने लीवर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लीवर का जो कारक होता है वो गुरु होता है, और नीच के गुरु का बिगड़ना या बिगड़ा हुआ स्वरूप ये आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और गुरु अगर बिगड़ जाए तो फिर गुरु घंटाल हो जाता है। जिसकी कुंडली में गुरु नीच का हो उसको गाय के प्रति सम्मान और आदर बिल बहुत रखना चाहिए, और जब भी मौका मिले तो अपने हाथों से कुछ खिला सकें तो बहुत अच्छा, नहीं खिला सकते हैं तो किसी गौशाला में उनको आर्थिक मदद दीजिए तो वो लोग खिलाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों का सम्मान ज़रूरी है। घर में जो पुस्तकें हैं बहुत बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, गुरु अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, एक जगह प्रॉपर अलमारी में होना चाहिए, खूब सुसज्जित होनी चाहिए। बुक अगर फट गई है तो बाइंड करा लीजिए। तो गुरु यानी पुस्तक, अब पढ़ने वाले बच्चे अगर हैं और उनके पास किताबें नहीं हैं तो आप उनको तुरंत दान करिए, उनको खरीद के दे दीजिए। तो कुंडली में गुरु अगर नीच का है तो उसको खुश करने के बहुत तरीके हैं। जो बच्चे या जिन बच्चों की कुंडली में गुरु नीच का हो जाता है उनको ये सिखाइए, ये संस्कार दीजिए कि टीचर का हमेशा सम्मान करें। सपोज करिए अक्सर होता है कि घर में ट्यूटर आ रहा है तो बच्चे उसके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाने लगे या उनकी नकल उतारने लगे, तो ये गुरु नहीं, गुरु बहुत सम्माननीय पद है, इस बात को उनको आपको बताना पड़ेगा। तो गुरु को लेकर तमाम जो बातें थी वो बता दी गई हैं आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बता दिया गया है आपको।